टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी एमवी एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने एंटार्क्टिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान सदरन ओशन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। नाजरीन, 1960s में समंदर के रास्ते एंटार्क्टिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहां पर समंदर बर्फ से भरा होता था और इस सूरत में किसी नॉर्मल शिप का वहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा ही था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बआसानी एंटार्क्टिका का सफर कर सके, और जो लोग एंटार्क्टिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इतिहास की मशहूर शिप्स टाइटैनिक या फिर आरएमएस ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिसका मकसद पैसेंजर्स को एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम आम शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीले समंदर में जाना हो तो उनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A शिप, यानी इसको बर्फ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसका बाव ऐसे डिजाइन किया गया था कि शिप के वजन से ही बर्फ टूटती जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रू शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज के साथ साथ एक और चीज भी थी जो एमवी एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे खास तौर पर एंटार्क्टिका के सफर के लिए बनाया गया था और वहां मौजूद बर्फ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर में बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग इस पर सवार होकर एंटार्क्टिका जाने की ख्वाहिश रखने लगे। असल में पहले इसका नाम तो लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शिप के ओनर्स भी बदलते रहे और 2004 में आखिरी बार इसको टोरंटो बेस्ड ट्रेवल कंपनी गैप एडवेंचर्स ने खरीदा, जिन्होंने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया था। इसके बाद ये किसी और मालिक के कब्जे में नहीं आ पाएगी ऐसा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। 2007 तक एमवी एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के 250 कामयाब सफर कर चुकी थी, लेकिन इसी साल के नवंबर में इसको एक ऐसे सफर पर रवाना होना था जहां से लौटकर ये कभी वापस नहीं आएगी। ये नवंबर 2007 था। एमवी एक्सप्लोरर अपने 19 रोजा सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको अर्जेंटीना के शहर उस्वाइया से स्टार्ट लेना था और फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए साउथ जॉर्जिया आइलैंड और फिर एंटार्क्टिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से एंटार्क्टिका के इस हसीन सफर के लिए रवाना हुए। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये हसीन सफर इनको किस मुसीबत में धकेलने वाला है। एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 इयर्स के बेंट वाइमन थे। वो हजारों बार इस बर्फ से भरे समंदर पर शिप्स चला चुके थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही पैसेंजर्स खुद को महफूज समझ रहे थे। पर एंटार्क्टिका के शिप कैप्टन चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, वहां की बदलती कंडीशंस की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार एक नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफर की शुरुआत में कैप्टन बेंट वाइमन ने एक हैरानकुन फैसला किया। वो अपने प्लान रूट से हटकर शिप को एक नए रूट पर से लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से शायद वो ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन 22 नवंबर की शाम को सूरज गरूब हो रहा था और पैसेंजर्स अपने अपने केबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुई जहां पर काफी ज्यादा बर्फ मौजूद थी।
कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसीलिए बर्फ के बार बार टकराने की वजह से शोर पैदा होगा और ये रात आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंधेरे की वजह से कैप्टन ने शिप की रफ्तार को कम करके सिर्फ 5 नॉट्स पर सेट कर दिया था, यानी करीब 10 किलोमीटर पर आवर। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ की लेयर से निकलकर मोटी और पुरानी बर्फ की लेयर वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी, मगर कैप्टन को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आधी रात के वक्त अचानक शिप एक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि शिप एक सख्त बर्फ के तोदे से टकरा कर रुक गई है। क्योंकि कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी थी, इसी वजह से काफी पैसेंजर्स ने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वो सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा से चलाने में कामयाब हो गए। एमवी एक्सप्लोरर अब दोबारा से बर्फ को काटती हुई बर्फीले समंदर में आगे बढ़ रही थी, मगर कैप्टन समेत शिप में सवार पैसेंजर्स ये नहीं जानते थे कि शिप के हल में एक सुराख हो चुका है और पानी अब धीरे धीरे शिप के निचले हिस्से में जमा होना शुरू हो चुका है। सोए हुए पैसेंजर्स की आंख तब खुली जब उनके केबिन्स में पानी भरना शुरू हो चुका था, क्योंकि पैसेंजर केबिन जहाज के निचले वाले हिस्से में थे, इसीलिए पानी सबसे पहले वहीं पहुंचा था। ये देखते हुए पैसेंजर्स में अचानक एक खौफ की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। पानी अब हर मुमकिन जगह से शिप में दाखिल हो रहा था, चाहे लाइट स्विच हो, डक्ट वेंट या फिर दरवाजे की दरारें। जब तक कैप्टन को इस बात का इल्म हुआ तो कई केबिन्स पानी से भर चुके थे। पहले तो उनको लगा कि शायद छोटा डैमेज हुआ है जिस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था तो कैप्टन भी समझ गया कि बात अब काबू से बाहर निकल चुकी है। कैप्टन ने फौरी तौर पर शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया और तमाम लाइफ बोट्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया। इसी दौरान शिप बर्फीले इलाके से तो निकल चुकी थी, मगर पानी जमा होने की वजह से वो एक तरफ झुक गई थी। क्रू मेंबर्स जल्दी से शिप को खाली करने और इंसानी जानों को बचाने में मसरूफ थे। शिप अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर थी और मंजिल पर डैमेज शिप के साथ पहुंचना नामुमकिन था। दूसरी तरफ मसला ये भी था कि अंटार्कटिका का ये समंदर बर्फ होने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा था और यहाँ की ठंडी हवा की वजह से लाइफ बोट्स पर ज्यादा देर रहना भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए कैप्टन ने एक्सप्लोरर के करीब मौजूद दूसरी शिप्स को SOS के सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए। ये सिग्नल्स नेशनल जियोग्राफिक एंडेवर और नॉर्ड नॉर्ज नामी शिप्स को भेजे गए थे, मगर ये शिप्स भी काफी दूर थीं और इनका फौरन यहाँ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता पानी एमवी एक्सप्लोरर के सेपरेटर रूम में जमा होना शुरू हो गया। ये वो रूम होता है जहाँ शिप्स की तमाम मशीनरी मौजूद होती है, यानी इसी रूम से ही पूरी शिप को पावर दी जाती है। इस रूम में पानी भरने की वजह से अब एमवी एक्सप्लोरर की तमाम इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। एंटार्क्टिका के बर्फीले समंदर के बीचों बीच अब एमवी एक्सप्लोरर बिल्कुल अंधेरे में तन तन्हा खड़ी थी। इसके इंजन्स बंद हो चुके थे और अब शिप सिर्फ समंदरी लहरों के रहमो करम पर थी। कैप्टन को जहां एवैक्यूएशन की फिक्र थी, वहीं अब उसको एक और ख्याल भी तंग कर रहा था। अगर शिप का इंजन दोबारा से ऑन ना किया गया तो तेज हवाएं और लहरें शिप को दोबारा बर्फ वाले इलाके में धकेल सकती थी। इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से इंजन्स को मैनुअली तरीके से ऑन करने की कोशिश की गई। खुशकिस्मती से ये आइडिया काम कर गया और इंजन्स एक बार फिर से स्टार्ट हो गए। क्रू मेंबर्स ने शिप को खाली करने का प्रोसेस मजीद तेज कर दिया। कुछ ही देर में जहाज पर सवार तमाम अफराद 4 लाइफ बोट्स में सवार होकर ठंडे तरीन पानी में उतर गए। कुछ देर तक कैप्टन और चंद क्रू मेंबर्स शिप को सीधा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार इंजन एक बार फिर से बंद हो गए। अब एमवी एक्सप्लोरर में पानी तेजी से भरता जा रहा था और कैप्टन को जल्द अज जल्द कोई फैसला करना था, लिहाजा कैप्टन और चंद क्रू मेंबर्स भी शिप से उतरकर लाइफ बोट्स में सवार हो गए। अब ये 150 से ज्यादा लोग लाइफ बोट्स में मौजूद ठंडे तरीन सदरन ओशन में खुले आसमान के नीचे किसी मदद का इंतजार कर रहे थे और ठंडी हवा इनका इंतजार मुश्किल से मुश्किल बना रही थी।
अगले 4 घंटों तक ये इंतजार जारी रहा और आखिरकार एक शिप इनको बचाने के लिए पहुंच गई। ये नॉर्ड नॉर्ड शिप थी जिसे कैप्टन ने SOS कॉल दी थी। तमाम लोगों को तो कामयाबी से बचा लिया गया, लेकिन MV एक्सप्लोरर के नसीब में डूबना ही लिखा था। MV एक्सप्लोरर के इस हादसे पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई, जिससे ये नतीजा सामने आया कि ये नुकसान कैप्टन बेंट वाइमन की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि कैप्टन ने जिस बर्फ को पहले साल की पतली बर्फ समझकर शिप को उस इलाके में दाखिल किया, असल में वो कई साल पुरानी बर्फ की मोटी लेयर थी। आज MV एक्सप्लोरर का शिप रैक पेंगुइन आइलैंड से 25 मील साउथ ईस्ट में 1300 मीटर की गहराई में मौजूद। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। See you soon. If you like this video, please hit the subscribe button and also press the notification icon. Thanks for watching.